और ये आटे के बनाए जाते हैं, उसमें गुड़ या चीनी मिलाया जाता है। तो भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए यहाँ उत्तरवाहिनी नदी से हम इस लोटे में जल भरते हैं। ये दो छोटे पौधे कागजी के, आज हरेला पर्व है तो इन पौधों को हम लगाएंगे, क्योंकि इसको अंधेरे में रोपते हैं। आज अमावस्या है। अच्छा, अपनी छाया नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा पापा जवान हो गए। अच्छा, और मम्मी यहाँ पे हंस रही आम खाते खाते। ये बहुत पुराना सिक्का है और ओखल रोपने से पहले ये डालना पड़ता है। बोला तो लास्ट में हुआ कुछ ऐसे कि मैंने मम्मी को बोला फोटो खींचते हैं, और फोटो खींचने के चक्कर में यहाँ देखिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भार नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मंदमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और इसी के साथ संक्रांति भी है, और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में मौल संक्रांत बोलते हैं, और सभी लोग इसको हरेला पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी लोगों को हरेला पर्व की, मौल संक्रांत की और श्रावण मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, मैंने आज पीली साड़ी पहनी है और मेरी तैयारी हो गई है अपने मायके के गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने की और भगवान महादेव जी को जल चढ़ाने की। आज के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए मम्मी लगी हुई है यहाँ किचन में पकवान बनाने पे। मम्मी क्या बना रहे हो? मिट्टी गुलगुले। गुलगुले बना रहे? और ये आटे के बनाए जाते हैं, उसमें गुड़ या चीनी मिलाया जाता है। और ये देखिए अच्छे से फूले फूले लग रहे हैं। नमकीन वाली भी बनानी है। अच्छा, नमकीन पकौड़ी भी बनानी है। यहाँ पे देखिए बेसन का पैकेट भी लाया हुआ है। और गोलगप्पा भी बनाना है। गोलगप्पा भी बनाना है। आज आप मंदिर चले गए? मंदिर चले गए। मंदिर जाके टीका टुका लगा के गाय की देख के और फिर पकवान में बनाने लगे। और इधर साइड देखिए इतने बना भी दिए हैं किनारे पे रखे हुए मम्मी ने। थोड़ा भगवान के लिए रखना, पहले भगवान जी के लिए रखना है। और ये गुलगुले ना मेरी नानी जी बहुत ही टेस्टी बनाती थी, बहुत फूले फूले बनाती थी। आपने बनाया ऐसे? नहीं, नहीं बना पा रहे ऐसे? अच्छा, फिर भी बहुत ही अच्छे बना रखे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं दिखने में। सामने चौखम्बा पब्लिक स्कूल में बच्चे आज के त्यौहार को वृक्षारोपण करके मना रहे हैं। मेरे हस्बैंड जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और एक थैली में रखा हुआ है अगरबत्ती, फूल हो गया और फल वगैरह हो गया है मंदिर में चढ़ाने के लिए। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भूख तो नहीं लग रही आपको? नहीं, अरे महादेव का नाम लिया तो सारी भूख मिट गई। अच्छा, और आज मौसम ना काफ़ी सुहावना है, इतनी तेज़ धूप खिली हुई है कि धूप में रहना मुश्किल हो जा रहा है। सामने वाले पहाड़ों पे ऊपर ऊपर बादल लगे हुए हैं, हो सकता है शाम तक जोरदार बारिश हो जाए। और चौखम्बा पर्वत तो सावन के महीने बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और आजकल देखिए इन खेतों में जो मंडवा के पौधे हैं ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं, काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है यहाँ पूरा। मायके वाले घर से हमको चढ़ाई पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मायके साइड का जो गिरिजेश्वर महादेव मंदिर है वो ऊपर गांव से भी ऊपर है, जो उत्तरवाहिनी नदी बहती है उसके किनारे पे है। तो कुछ दिन पहले मैं आपको वहाँ लेके गई थी, तो आज भी हम उसी मंदिर में जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। गांव की ओर ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दी, जो कि मौल संक्रांत के दिन किया जाता है। ये देखिए, ये गोबर की मरास है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट पिट है, और इसको पलटा गया है और उसके बाद उसमें मेहल के पौधे की टहनी और उसके साथ कुंजू के पौधे की टहनी लगाई गई है। सामने वाले वर्मी कंपोस्ट पिट में भी ऐसा ही किया गया है, तो मौल संक्रांत के दिन ऐसे भी करते हैं। तो गांव में अभी भी लोग जितने भी त्यौहार मनाते हैं प्राचीन से चली आ रही रीति रिवाजों के हिसाब से मनाते हैं। मरास में तो मेहल और कुंजू का पौधा लगा दिया है, इसी के साथ जो धान की सार होती है और जो मंडवे की सार होती है उनके खेतों में भी ये लगाया जाता है। सावन के महीने उत्तरवाहिनी नदी का जल प्रवाह देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मंदिर भी अब नज़दीकी है। उससे पहले यहाँ पे एक धारा है जहाँ पे हाथ मुँह धो सकते हैं, और यहाँ पे देखिए धारे का पानी भी आजकल बढ़ा हुआ है, और ये पानी ना यहीं पर से निकलता है, यानी कि प्राकृतिक जल स्रोत है। चलिए जी, फाइनली चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते हम पहुंच गए हैं अपने मायके के गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए यहाँ उत्तरवाहिनी नदी से हम इस लोटे में जल भरते हैं। यहाँ ऊपर की साइड है शिवलिंग, और शिवलिंग के बगल में ही यहाँ उत्तरवाहिनी नदी के किनारे पे यहाँ पत्थर पे ये देखिए स्फटिक रूप में नागराज भगवान जी अपना दर्शन देते हैं, और ये स्फटिक रूप में बहुत ही प्राचीन है। गिरिजेश्वर महादेव जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी लोगों पर भी भोले बाबा की कृपा यूँ ही बनी रहे। घर में पहुंचने के बाद यहाँ पे मम्मी ने हस्बैंड जी को आज का ब्रेकफास्ट परोस दिया है, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था हस्बैंड जी ने,
और यहाँ पे देखिए प्लेट में ये गुलगुले भी रखे हुए हैं और पकौड़ी भी रखी हुई है। तो मैं भी अब गुलगुले और पकौड़ी का आनंद लेती हूँ। हर जगह हर किसी का त्यौहार मनाने का अलग अलग तरीका होता है। मेरे मायके साइड मोल संग्रांत को कुछ इस तरह से मनाते हैं और सभी लोग आज के दिन पे वृक्षारोपण भी करते हैं। तो पापा जी भी कुछ पौधे लेके आए हैं, तो थोड़ी देर में हम वृक्षारोपण भी करेंगे। उससे पहले ये पकौड़ी और ये गुलगुले खा लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी हो रहे हैं, पकौड़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही है। और ये गुलगुले ना चीनी में बना रखे हैं, तो अंदर से गुदगुदे हैं और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं। बहुत ही मीठे मीठे गुलगुले। थोड़ा सा आराम करने के बाद अब यहाँ बरामदे में बैठ के आज के पहाड़ी स्पेशल लंच का आनंद लेते हैं। माँ ने सभी को खाना परोस दिया है और आज के स्पेशल लंच में है ये पहाड़ी चावल, यानी कि लाल चावल, जो कि पहाड़ी भाई पीलो चाय के घर से आए थे। और उसके साथ है ये हरी सब्जी और साथ में है मिक्स दाल, लोबिया, अरहर मलका और घर की राजमा की दाल है। आज तो लंच करने के बाद ऐसी नींद आई, ऐसा लग रहा कि सदियों से नहीं सोए हैं। और शाम के 5:30 बज चुके हैं, अब जाके हम उठ रहे हैं। और अभी शाम के टाइम पे यहाँ नीचे गांव साइड से सिर्फ भजन कीर्तन और ढोलक चिमटा की आवाज़ सुनाई दे रही है। सावन के महीने में लोग अपने घरों में कीर्तन वगैरह करते हैं। थोड़ा 5 मिनट के लिए सामने चौखंबा पर्वत भी दिखा था, लेकिन अभी फिर से बादल लग चुके हैं। तो हस्बैंड जी तो यहाँ पे अपने काम पे लगे हुए हैं और मम्मी के हाथ में है एक फावड़ा और ये दो छोटे पौधे कागजी के। आज हरेला पर्व है तो इन पौधों को हम लगाएंगे। मम्मी कहाँ पे लगाने? उधर अपने खेत में। चलो चलते हैं। और इस पे देखिए कितने भयंकर कांटे हैं, पौधे छोटे छोटे, कांटे लंबे लंबे। और वहीं दूसरी साइड यहाँ आंगन के किनारे पे पापा ने एक गड्ढा करा हुआ है। और ये गड्ढा बोलना क्यों किया हुआ है, ये ओखल उस गड्ढे में रोपनी है। और ये देखिए ओखल इतनी बड़ी होती है, पत्थर पे ऐसे बनाया रहता है। इसमें धान कूटते हैं और मांगलिक कार्य में हल्दी वगैरह कूटते हैं। हमारे उत्तराखंड में हर किसी के घर पे एक ऐसे ओखल जरूर होती है पत्थर की, और इसको खास दिन पर ही ऐसे रोपा जाता है। जैसे आज अमावस्या है तो अमावस्या के दिन ही इस ओखल को यहाँ पे रोपना है। शाम के टाइम पे आलू का काम है इस तसले पे ऐसे कंकड़ पत्थर यहाँ पे लाने का, क्योंकि गड्ढा काफी बड़ा कर दिया है पापा ने, है ना? बिल्कुल। और दिन तक क्यों नहीं रोपा इसको? क्योंकि इसको अंधेरे में रोपते हैं, आज अमावस्या है। अच्छा, अपनी छाया नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा होता है ना? ऐसे बोला पुराने जमाने के लोगों ने। तो पुराने प्राचीन जो हमारे रीति रिवाज हैं उसी के हिसाब से हम ये ओखल भी रोपेंगे। फिलहाल मैं मम्मी के साथ चलती हूँ इन पौधों को रोपने के लिए। तो आज का हरेला पर्व हमारे लिए सार्थक हो गया है और अब देखना ये होगा कि ये कागजी के पौधे बड़े कब होंगे और कब इन पे कागजी लगना स्टार्ट होंगी। थोड़ा सा हमने काम किया और अभी मम्मी लेके आई है हमको ये आम खाने के लिए। और आज मम्मी परवाड़ी वाले घर पे नहीं गई, आज परवाड़ी वाले घर पे पापा जी अकेले गए हैं गाय को चारा पत्ती और पानी वगैरह देने के लिए। तो पापा भी मम्मी की पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि मम्मी के पैरों में थोड़ा बहुत दर्द होता है। तो अभी जाना था, अभी वापस आना था, तो पापा ने कहा मैं ही चले जाता हूँ। चले जी, पापा भी आ गए हैं परवाड़ी वाले घर से। दे दिया गाय को घास? अच्छा, बहुत जल्दी आए आप। अच्छा, पापा जवान हो गए। अच्छा, और मम्मी यहाँ पे हंस रही आम खाते खाते। परवाड़ी से आने के बाद पापा जी यहाँ पे ओखल रोपने की तैयारी पे लगे हुए हैं और अभी एक बड़ा बड़ा पत्थर लेके आ गए हैं, ये ओखल के नीचे रखना है बोला। ओखल को रोपने की लगभग लगभग तैयारी हो ही गई है और पापा के हाथ में यहाँ पे है जौतिल और उसके साथ क्या है, ये तांबे का सिक्का। ये बहुत पुराना सिक्का है और ओखल रोपने से पहले ये डालना पड़ता है बोला। जिसके पास नहीं होगा पापा? अब नहीं होगा तो नहीं होगा, पर तब अच्छा आपके पास है तो आप डाल दें। बंदर तो होगा उसके पास, वो बैठ रहा वहाँ पे ऊपर छत में, देखिए बंदर बैठ रखे हैं लोगों के घर में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ज्योतिल को डालने के बाद ओखल भी डाल दी है और अब ओखल को सीधा करना पड़ेगा। तीन तीन जवान लगे हुए हैं। ओखल को रोपने का काम कंप्लीट होने के बाद ही हमने यहाँ पे घर की लाइट वगैरह जलाई। अभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। आजकल पहाड़ों में ऐसा मौसम हो रखा है, दिन के टाइम तो तेज़ धूप खिल रही है और रात में भयंकर वाली बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों में लैंडस्लाइड ज़्यादा होता रहता है। अब चलते हैं किचन में, आज के डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो माँ ने यहाँ किचन में खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी है और जीरा भी डाल दिया है। आज क्या बन रहा है? कटहल की सब्जी बन रही है। दाल है, अच्छा दाल है, मतलब दिन की दाल बची हुई है, फ्राई करेंगे।
और यहाँ पे देखिए परात पे आटा भी रखा हुआ है, तो मेरा काम है आटा गूंथने का। मम्मी ने दाल और सब्जी बनाई और मेरा काम था रोटी बनाने का, तो मैंने रोटी भी बना दी है। ये लास्ट रोटी बच रखी। और इतनी भयंकर गर्मी हो रही जैसे शहरों की तरह, भाई देहरादून में ऐसी पसीना आती थी और यहाँ भी ऐसी हो रहा है, जबकि बाहर ना भयंकर तेज़ बारिश हो रही, और जैसे ही बाहर में बैठ रहे ना वैसे काफ़ी ठंडा भी हो रहा है। तो हम बरामदे में इसलिए रोटी खाते हैं, आजकल गर्मियों के टाइम पे बरामदे में ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो लास्ट में हुआ कुछ ऐसे कि मैंने मम्मी को बोला फ़ोटो खींचते हैं, और फ़ोटो खींचने के चक्कर में यहाँ देखिए रोटी बिल्कुल जल गई, लास्ट वाली रोटी ऐसे भी। और रोटियाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर हैं। मम्मी ये क्या हो गया? मेरे को इधर देखो। आपने उधर ही देखा, हो गया फिर, कमाल हो गया। यहाँ पे जैसे मैं किचन से बाहर आई ना, प्रकृति ने हमारे लिए बिल्कुल एसी ऑन कर रखा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और तेज़ बारिश भी हो रही है। तो अब सभी के साथ बैठ के गर्मा गर्म डिनर करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।